Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Mess. Now in this video we will learn class 10th new mathematics syntax book and its chapter number 29 practical geometry circles. It's exercise 29.1. Question number 1 is draw a circle with the help of a circular object. Locate its center. अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल जो हमें ड्रॉ करना है अब वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करेंगे. हम यहाँ पर अब कंपास यूज़ नहीं करेंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए. अब हमें बताना है कि उसका सेंटर किधर होगा. एक्चुअली हमारा जो है हमें मालूम क्या करना है कि टू लोकेट द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, कि सर्कल का सेंटर किधर है ये हमें फाइंड करना है. अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे. अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक बैंगल और इसके ज़रिए हम सर्कल पहले बना लेते हैं. तो फिर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल. ठीक है. अच्छा अब ये सर्कल तो हमने ड्रॉ कर दिया. अब कहा जा रहा है कि इसका सेंटर बताएं. अब इसका सेंटर बताने के लिए हमें क्या करना होगा. अब सेंटर बताने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप इसमें हम ये करेंगे. कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. हमें यहाँ पर कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है. कॉर्ड क्या होता है. कॉर्ड हम कहते हैं ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के या सर्कमफेरेंस के टू पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसे हम कहते हैं कॉर्ड. तब नॉन पैरेलल ड्रॉ करने हैं टू कॉर्ड्स, लिहाजा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक कॉर्ड. ये हमने ड्रॉ कर दिया और दूसरा कॉर्ड हम ड्रॉ कर देते हैं. नॉन पैरेलल कहा गया है तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये पैरेलल नहीं होने चाहिए. इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होना चाहिए. ये मैंने दूसरा इधर ड्रॉ कर दिया. डिफरेंट कलर मैं इसलिए यूज़ करूँगी ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियरली समझ में आ जाए कि कब हमने क्या काम करा है. अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर. अब हमने राइट बाइसेक्टर बनाना है. राइट बाइसेक्टर ये क्या होता है. राइट बाइसेक्टर हम कहते हैं कि ऐसा बाइसेक्टर यानी ऐसी लाइन. पहले मैं बताती हूँ आपको कि बाइसेक्टर क्या होता है. बाइसेक्टर हम कहते हैं ऐसी लाइन को जो टू इक्वल पार्ट्स में दूसरी लाइन को कर दे. ठीक है. और राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर. अब ये हमने ड्रॉ करना है और हम इन कॉर्ड्स को नेम दे देते हैं. इसको हम कह देते हैं दिस इज ए बी. ये हमारा कॉर्ड ए बी है और ये कॉर्ड सी डी है. ठीक. अब इसके हम बनाएंगे राइट बाइसेक्टर. इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपास और कंपास को जब भी कहा जाएगा बाइसेक्टर तो हमें ये बात अच्छी तरह से जहन में रखनी है कि हमेशा कंपास को मोर देन हाफ हम खोलेंगे. हमेशा कंपास कितना खुलेगा, मोर देन हाफ. पेपर को हम यूँ घुमा लेते हैं तो हमारे पे और इजी रहेगा. तो अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करने लगे हैं राइट बाइसेक्टर. तो एक आर्क लगाएंगे अपवर्ड, दूसरी लगाएंगे डाउनवर्ड. इसी तरह से आइदर साइड्स हम ए बी के आइदर साइड्स, तो ए बी के आइदर साइड्स यानी दोनों तरफ हमने इस तरह से आर्क्स लगा दिए हैं. अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन तो उससे हमें हमारे पास आ जाएगा राइट बाइसेक्टर. अब इसको हम
ज्वाइन कर देते हैं। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इस आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गया ए बी। ए बी पर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, एरो लगा देंगे और ये हमारा कहलाएगा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू, पी क्यू ऑफ द कॉर्ड ए बी। ये हमने ए बी पर इसको कह देंगे पी, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ये हमने बना दिए, यहां पर बता दिया हमने राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, अब इसके बाद अब हम बनाएंगे दूसरा बाइसेक्टर सी डी पर। अब हमने सी डी का ड्रॉ करना है बाइसेक्टर, लिहाजा यहाँ पर हम सी डी, सी को सेंटर लेंगे, मोर देन हाफ हमने कंपास को खोला हुआ है, क्योंकि जब भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है हमेशा मोर देन हाफ खोलते हैं, इस बात को जहन में रखना है। तो फिर ये सी को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर ले जाएंगे और एक आर्क हम लगा देंगे सी डी से नीचे। डी को सेंटर लेंगे, इसे हम कर देंगे अब इंटरसेक्ट वापस सी पर आते हैं। तो ये अब हम ज्वाइन कर देंगे जो आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं, इनको ज्वाइन करने पर हमें पॉइंट मिलेगा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो ये आ गया बाइसेक्टर ऑफ सी डी, मैंने बना दिया बाइसेक्टर ऑफ सी डी। अब देख रहे हैं हम कि ये दोनों, ये बाइसेक्टर जिसको हमने क्या कहा है, इस बाइसेक्टर को हम नेम दे देंगे एक्स वाई, दिस इज एक्स और इस पॉइंट को हम कह देंगे वाई। अब जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेंटर पॉइंट और इसको मेंशन करेंगे हम ओ से। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ ताकि और बात अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। जो कुछ हमने काम करा है सारा, यहाँ पर बात वही लिखी हुई है कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ द कॉर्ड सी डी। सी डी का हमने ड्रॉ किया था बाइसेक्टर एक्स वाई, फिर हमने क्या कहा कि बोथ राइट बाइसेक्टर्स पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। फिर ये दोनों जो हैं बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ, इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो इस तरह से ये पॉइंट ओ हमें इस सर्कल का सेंटर मिल गया, जो कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमें सर्कल का सेंटर बताएं। तो इस तरह से हमने सर्कल का सेंटर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू, टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स उनको कहते हैं जो एक ही लाइन पर मिलें, उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और जो एक लाइन पर ना मिले, यानी वो एक ही लाइन पर लाए नहीं करते हों, तो उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक्स वाई जेड थ्री पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं जो कि एक लाइन पर नहीं हैं। एंड ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू दीज पॉइंट्स, कह रहे हैं कि हमें इन थ्री पॉइंट्स से एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन तीनों पॉइंट्स से गुजरता हो। तो हम पहले तो यहाँ पर ले लेंगे थ्री पॉइंट्स, एक जैसे हमने पॉइंट ले लिया यहाँ, इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट पी, सॉरी एक्स, क्वेश्चन में कह दिया गया है, हमने कह देंगे एक्स, एक पॉइंट ले लिया हमने वाई और एक और पॉइंट आ गया
जेड, ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब क्या करना है, अब हम इन पॉइंट्स को पहले तो कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा जा रहा है, हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड बता दिया है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हम देख रहे हैं कि ये एक लाइन पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इनको एक लाइन से सिर्फ हम ड्रॉ कर सकें। फिर कह रहे हैं कि टू ड्रॉ अ सर्कल विच पासिस थ्रू एक्स वाई एंड जेड, और हमने अब एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजरता हो। फर्स्ट स्टेप क्या है कंस्ट्रक्शन का, टेक 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी, जो हमने ये ले लिया, ड्रॉ एक्स वाई एंड वाई जेड, यानी अब हम इनको कर देंगे ज्वाइन, एक्स को वाई से ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गया एक्स वाई, इसी तरह से वाई जेड को ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, अब हमने क्या करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं अब इनके हमको, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जिस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था पूरा एग्जैक्टली वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर सेंटर ले लेंगे एक्स को, और हमने मोर देन हमने हाफ जो है कंपास को खोला है, ये बात बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में भी कि जब भी बाइसेक्टर कहा जाएगा तो कंपास हमेशा मोर देन हाफ खुलेगा, और फिर हम आइदर साइड्स ऑफ एक्स वाई ड्रॉ कर देंगे आर्क्स, इसी तरह से वाई को सेंटर लेंगे और इन आर्क्स को हम कर देंगे इंटरसेक्ट। इस तरह से ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए। अब इंटरसेक्ट करने के बाद इनको हम करेंगे अब ज्वाइन, ये पॉइंट्स आ गए हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये ज्वाइन होंगे, तो फिर हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा, राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, एरो लगा देंगे और इसको हम नेम दे देंगे, ये हमने बनाया है ए बी, राइट बाइसेक्टर ए बी, तो क्योंकि ये लाइन है, लाइन का मतलब है कि हम इसको कहीं से भी एक्सटेंड दोनों एंड पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसी ये एरो यही शो कर रहा है, इसे हम एरो लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया राइट बाइसेक्टर ए बी ऑफ एक्स वाई। अब इसी तरह से अब हमने ड्रॉ करना है वाई जेड, वाई जेड पर भी राइट बाइसेक्टर, तो अब इसके लिए हम पहले जेड को ले लेते हैं सेंटर, कंपास को हमने मोर देन हाफ खोल दिया, आर्क ड्रॉ कर देंगे, एक आर्क यहाँ लगा दी, एक आर्क डाउनवर्ड, इसी तरह से फिर हम वाई को सेंटर लेंगे और फिर एक आर्क ऊपर लगा दी है, इसी तरह से फिर हम इस आर्क को भी इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक। Z पर आते हैं दोबारा से और इस आर्क को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं इनको हम करेंगे अब ज्वाइन, अब ये ज्वाइन होंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ये है और एक ये है, ज्वाइन करेंगे, तो ये आ गया राइट बाइसेक्टर, इसको हम कह देंगे सी इस पॉइंट को,
this is point C and this is point D. So CD is a right bisector of YZ. अच्छा अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों bisectors जो हैं जिस point पर intersect हो रहे हैं, ठीक है, जिस point पर दोनों intersect हो रहे हैं ये point हम देख रहे हैं हमें मिल रहा है, जिसको हम क्या कह देंगे, this is point O, जो कहलाएगा center point. अब हमने क्या करना है, हमने अपने compass को O X, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर सी डी ऑफ वाई सेट, हमने ड्रॉ कर दिया, बोथ राइट बाइसेक्टर्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सही हम देख रहे हैं, ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, जो कि रिक्वायर्ड सर्कल का क्या है, सेंटर है. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजर ओ एक्स और मेजर ओ वाई और मेजर ओ जेड. अब हमने अपने कंपास को ओ एक्स या फिर ओ वाई या ओ जेड के इक्वल हमने खोल लेना है और फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. हमने जो है ओ पर कंपास को रखा और यह हमने खोल लिया ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स के इक्वल, ठीक, और उतना ही डिस्टेंस ओ वाई का भी है और सेम वो ही डिस्टेंस ओ जेड का भी है, लिहाजा हम ड्रॉ कर देते हैं सर्कल. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो के पॉइंट एक्स वाई जी तीनों से गुजर रहा है. तो इस तरह से हम नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी. माइनर आर्क क्या होती है, आर्क हमें मालूम है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्क किसे कहते हैं, सर्कल के एक पार्ट को, उसके एक हिस्से को आर्क कहा जाता है. और माइनर आर्क हम कहते हैं कि ऐसी आर्क जो के सर्कल के सेमी सर्कल से छोटी हो, सेमी सर्कल से यानी इसके हाफ सर्कल से छोटी जो आर्क होती है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क. बाय आ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, हमें अब यहाँ पर माइनर आर्क जो ड्रॉ करना है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करना है, यानी कंपास यूज नहीं करेंगे. कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर, और फिर हमने उसका सेंटर फाइंड करना है और सेंटर को फाइंड करते हुए सर्कल कंप्लीट करेंगे. पहले हम सिर्फ माइनर आर्क ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं माइनर आर्क इस तरह से, ठीक है, मैंने हाफ सर्कल से भी छोटा लिया है, ठीक है, लेस देन सेमी सर्कल. हमेशा याद रखिएगा माइनर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल से लेस देन होता है, और इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ए और ये है बी, ये कहलाएगी आर्क ए बी. जब भी लिखा हुआ यहाँ पर गिवन में माइनर आर्क ए बी यहाँ में ड्रॉ कर दी है. फिर कह रहे हैं कि टू कंप्लीट अ सर्कल हुज आर्क इज गिवन. अब हमने क्या करना है कि इस सर्कल को कंप्लीट करना है जिसका ये माइनर आर्क है. अब इसके लिए हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, क्या क्या काम हम इसमें करेंगे. सबसे पहला काम तो ये कि ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया है. अब इसके बाद हम ले लेंगे इस पर एक पॉइंट हम ले लेंगे सी. इस ए बी के अलावा हमने कहीं पर भी एक पॉइंट क्या ले लेना है, सी. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सही है, ये हमने पॉइंट ले लिया सी पॉइंट. फिर ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए सी एंड बी सी. अब हम ड्रॉ करेंगे ए सी एंड बी सी.
लिहाजा हम कर देंगे इनको ज्वाइन। ए और सी ये हो जाएंगे आपस में ज्वाइन। इसी तरह से कर देंगे हम ज्वाइन बी एंड सी को। इस तरह से हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन हो गए हैं, फिर कह रहे हैं कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर। हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए हम क्या करना है कि कंपास को अब यूज करेंगे और उसे हम खोलेंगे मोर देन हाफ ऑफ एसी। एसी का हम ड्रॉ करने लगे हैं राइट बाइसेक्टर, लिहाजा ए को हम सेंटर लेते हैं और ए को सेंटर लेते हुए आइदर साइड्स ऑफ एसी ड्रॉ कर देंगे हम आर्क्स। फिर सेंटर लेंगे सी को और इन्हें कर देंगे इंटरसेक्ट। ये हो गई इंटरसेक्ट। अब इसके बाद इनको हम करेंगे अब ज्वाइन। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आया है, दूसरा ये आया है, तो इस तरह हमें मिलेगा राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी। जिसको हमने नेम दे दिया पी एंड क्यू। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्यू। अच्छा, ये हमने एसी का बनाया राइट बाइसेक्टर। अब इसी तरह से बनाएंगे बीसी पर। अब बीसी पर बनाने के लिए बी को सेंटर लिया, आइदर साइड्स ऑफ बीसी ड्रॉ कर देंगे हम आर्क्स, यानी बीसी के दोनों तरफ। दोनों साइड्स पर ड्रॉ कर देंगे हम आर्क्स। इस पर जरा बी पर दोबारा से आते हैं और इसको ये हमने इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये आगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर्क्स से इनको हम कर देंगे अब ज्वाइन। तो फिर ये आ जाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी। राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी इसको हम कह देंगे एक्स वाई। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई। अच्छा, तो अब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। जो राइट बाइसेक्टर हैं उनको हम कर देंगे यहाँ से, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर दोनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ, यानी ये क्या है, सेंटर। यही बात हमने एग्जैक्टली लिखी हुई है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कि बोथ पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं विच इज सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि सर्कल का सेंटर है। जब हमने पॉइंट ओ को विद पॉइंट ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मेजर ए ओ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, हमने अपने कंपास को ओ ए या फिर
OC या फिर OB के इक्वल खोल लेना है और फिर हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये O को सेंटर लिया, ठीक है, O को सेंटर लेते हुए कंपास हमने खोल लिया है OA के इक्वल और फिर हम यहां से सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, अपना सर्कल जो हमारा रिक्वायर्ड है, जो हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सर्कल को कंप्लीट करें सेंटर फाइंड करते हुए, तो हमने यहाँ पर सेंटर को फाइंड करा और फिर उस सेंटर से सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसे लास्ट में फिर लिखा है यहाँ पर, दस वी हैव अ कंप्लीट सर्कल ऑफ द गिवन आर्क ए बी। हमने जो माइनर आर्क थी इस के सेंटर मालूम करा और फिर उससे हमने सर्कल को कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या होती है? मेजर आर्क हम कहते हैं जो सेमी सर्कल से ग्रेटर हो, ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से, सर्कल का जो हाफ सर्कल होता है उससे ग्रेटर हो, उससे ज्यादा हो, वो कहलाती है मेजर आर्क। ए बी सी हमेशा कौन सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? मेजर आर्क के लिए थ्री लेटर यूज किए जाते हैं, बाय आर सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें सर्कुलर ऑब्जेक्ट यूज करना है आर्क बनाने के लिए, मेजर आर्क बनाने के लिए, और फिर कह रहे हैं कि कंप्लीट द सर्कल और फिर हमने सर्कल को कंप्लीट करना होगा बाय फाइंडिंग द सेंटर, सेंटर फाइंड करते हुए। तो गिवन तो हमें क्या है, मेजर आर्क बात कर रहे हैं, मेजर आर्क की रिक्वायर्ड क्या है, हमें इसे कंप्लीट करना है जिसकी हमें यहाँ पर मेजर आर्क सर्कल की दी गई है। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ अ मेजर आर्क ए बी सी, तो लिहाजा पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे मेजर आर्क और सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ये, लिहाजा हमने यहाँ पर ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया, कंपास यूज नहीं करना है, यहाँ पर हम कंपास यूज नहीं करेंगे, इस बात को स्टूडेंट जहन में रखिएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। और अब यहां हम ड्रॉ करेंगे मोर देन सेमी सर्कल, ठीक, तो ये हमने बना दिया मेजर आर्क, ये सेमी सर्कल से क्या है, ग्रेटर है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ ए बी एंड बी सी। अब हम ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हम जैसे इसको हमने कह दिया कि ये पॉइंट तो क्या है, ए है, this point A, this is point C, और ये हमने एक पॉइंट ले लिया इस सर्कल पे जिसको कहेंगे B, ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन करेंगे। तो अब ज्वाइन हम कैसे करेंगे कि A और B ये हो जाएंगे ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से B और C इनको भी कर देंगे ज्वाइन। इसका मेथड भी काफी मिलता जुलता है क्योंकि तकरीबन वही है, सारा ही वही है जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा है, वही हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, राइट बाइसेक्टर्स। तो अब राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम ए बी का, तो ये हमने बी को सेंटर लेते हुए एक आर्क इधर लगा दी, एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे आइदर साइड्स ऑफ ए बी। इसी तरह से हम अब सेंटर लेंगे ए को और फिर इनको आर्क्स को कर देंगे इंटरसेक्ट, वापस बी पर आएंगे, ठीक। तो
ये हमने आर्क्स ड्रॉ करी, इनको अब हम कर देंगे जॉइन। तो ये आ जाएगा राइट बाइसेक्टर ऑफ एबी। एबी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिसको हम कह देंगे ये है पी क्यू। दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है डीसी का। तो इसके लिए हम कंपास को खोलेंगे मोर देन हाफ, हाफ ऑफ बीसी। सी को सेंटर लिया, आइदर साइड्स ऑफ बीसी हम ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। बी को सेंटर लेंगे और कर देंगे इनको इंटरसेक्ट। वापस सी पर आते हैं और इसको इस तरह से ये हम आ गए। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। ये ज्वाइन हो गए, तो ये आ गया राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी का राइट बाइसेक्टर आ गया और ये कहलाएगा एक्स वाई। इसको हम कह देंगे एक्स, इसको वाई कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं एक्स। ठीक, अच्छा, अब ये जहां पर दोनों, ठीक है ना, मैं इसमें यही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में भी, बोथ पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दोनों राइट बाइसेक्टर्स पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट हमें मिल रहा है जहां पर दोनों राइट बाइसेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ओ। फिर विद पॉइंट ओ एज सेंटर, ओ को ही हम सेंटर लेते हुए क्या करेंगे, एंड रेडियस इक्वल टू ए ओ और ओ बी, ओ ए या फिर ओ बी ले लें या ओ सी ले लें, और फिर हमने ड्रॉ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है वो हमने अब ड्रॉ करना है। ओ को सेंटर ले लेंगे और फिर इस सर्कल को कर देंगे कंप्लीट। तो हमें देख रहे हैं एग्जैक्ट हमारा सर्कल ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करा कि मेजर आर्क जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, लिखा हुआ है फिर हमें लास्ट में कि दस वी हैव अ कंप्लीट सर्कल ऑफ द गिवन मेजर आर्क एबीसी। जो हमें मेजर आर्क एबीसी दी गई है, इससे सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करते हुए सर्कल को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ माइनर आर्क ए बी बाय अ सेकुलर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने सेकुलर ऑब्जेक्ट के जरिए माइनर आर्क ए बी बनाना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने करा था। फिर कह रहे हैं कि कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। अब हमने यहाँ पर सर्कल का सेंटर नहीं फाइंड करना, इस पीछे तो हमने सेंटर फाइंड करा था और फिर सर्कल को कम्प्लीट करा था। यहाँ हम सीखेंगे कि सेंटर मालूम करे बगैर किस तरह से सर्कल को कम्प्लीट कर सकते हैं। असल में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है। तो अब गिवन तो हमारा क्या है, माइनर आर्क। तो पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं माइनर आर्क। अब इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया माइनर आर्क। इसको माइनर आर्क पता ही हमें कहते हैं लेस देन सेमी सर्कल आर्क, ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी हो।
ये हमारा बी है, क्योंकि ये पूरी हमारी फाइनल आर्क, इससे हमने एक इसके करीब ए पॉइंट से करीब हमने एक ले लिया पॉइंट सी, क्योंकि ये तो हमारी माइनर आर्क है। अब हमने क्या करना है आगे, अब जो मैंने पॉइंट सी लिया है इसको सेंटर लेते हुए कंपास हम किसी मेजरमेंट का खोल सकते हैं और ड्रॉ कर दी हमने एक आर्क, और फिर इसी को सेंटर लेते हुए इसको हम कह देते हैं दिस इज द पॉइंट डी, और फिर डी को सेंटर लेते हुए लगा देंगे हम सेकंड आर्क, इसको कहेंगे ई, दिस इज पॉइंट ई। अच्छा, अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है ताकि हमें ये मिल जाएंगे अब कॉर्ड। ये काम तो वैसे ही है जैसे पीछे हम करते आए थे। अब ये हमने ज्वाइन करा और आगे बढ़ा देंगे, इस कॉर्ड को हम एक्सटेंड भी कर देंगे, हमने इसे एक्सटेंड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम डी और ई इनको भी ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट डी पॉइंट ई। बहुत इसमें मतलब स्टूडेंट्स से केयरफुली वर्क कीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने मार्कर यूज़ करे थे, लेकिन यहाँ पर मार्कर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए। मार्कर की जो टिप होती है वो काफ़ी, उससे पॉइंट्स हमें थिक मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे। एरो लगा देंगे, तो ये हमने क्या करा यहाँ पर काम, फर्स्ट हमारे पॉइंट में कह रहे हैं कि ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सी डी एंड डी ई ऑफ गिवन आर्क ए बी। हमने यहाँ पर टू कॉर्ड्स जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं हमने ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद बात आएगी एक्सटीरियर एंगल, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। अब ये बात क्यों आ रही है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली हमने क्योंकि सर्कल का सेंटर फाइंड नहीं करना है, तो फिर हम इसमें कैसे सर्कल कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं ऐसी क्लोज फिगर जिसमें मोर देन थ्री साइड्स हों। जैसे थ्री साइडेड क्लोज फिगर को तो ट्राइंगल कहते हैं, फिर इसके बाद फोर साइडेड फिगर उसको स्क्वायर कहते हैं, फिर फोर से ज़्यादा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फाइव तो उसे कहते हैं पेंटागॉन, सिक्स करेंगे तो हेक्सागॉन, और यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ करने के लिए एक्चुअली हेप्टागॉन ड्रॉ करेंगे। हेप्टागॉन कहते हैं सेवन साइडेड क्लोज फिगर। क्यों सेवन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो फिगर जो है वो सर्कल से करीब होती जाती है, इसलिए हम यहाँ पर सेवन साइडेड क्लोज फिगर हेप्टागॉन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना है, हमने एंगल बनाना है, और एंगल रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल तमाम पॉइंट्स पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस तरह से इंटीरियर भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पर ड्रॉ करने लगे हैं एक्सटीरियर, यानी जो फिगर से आउटसाइड होगा, सही है, तब ये साइड जो हमें मिलेंगी उससे बाहर जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। यह हमने ड्रॉ कर दिया एंगल, इसको हम एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रेस के दरमियान बन रहा है एंगल को ये शो करेगा। अब हमारा कंपास इतना ही खुला रहेगा और फिर इस बात हम ले लेंगे इसकी आर्क लेंथ। मैं कंपास एक ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि काम जो है वो जल्दी हो सके। अच्छा, अब इसमें कंपास को हमने खोला है इतना, ये डिस्टेंस ये कहलाता है आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। अच्छा, अब हमने डी पर तो एंगल बना दिया, अब यहाँ पर क्योंकि एंगल ई और डी दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, लिहाजा ई पर एंगल बनाने के लिए हमने जो कंपास को खोला है उससे ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर एक आर्क। इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ कर दी, फिर इस पर लगाएंगे हम आर्क लेंथ
यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ई से, पॉइंट ई और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे। इधर हम लगा देंगे एरो। अब इसके बाद जब हमने एंगल बना दिया, फिर बात आती है साइड की मेजरमेंट। क्योंकि ये रेगुलर हेप्टागोन हम बना रहे हैं जिसकी तमाम साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। ऐसा जो सी डी की मेजरमेंट है उतना ही हमने यहाँ पर डी सॉरी ई को, ई को सेंटर लेते हुए आर्क लगानी है। ये हमने आर्क ड्रॉ करी, दिस इज द पॉइंट ई, के बाद ये आ जाएगा एफ, मैंने बना दिया एफ पॉइंट। अब इसके बाद यहां पर ये पॉइंट आ गया, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए वही सारा प्रोसीजर, आर्क्स लगा दिए हमने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट एफ से ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट एफ से ये हो जाएगा ज्वाइन। फिर हम मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लेते हुए एफ को सेंटर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे आर्क। फिर इस आर्क को सेंटर लेते हुए अब एंगल हमने बनाना है, तो पहले हम यहाँ पर लगा देंगे एक आर्क, फिर इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट हमने कर दिया तो ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को जिसको हमने क्या कहा है, एफ के बाद जी, एफ और ये जी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारी खुद फिगर जो है वो टर्न होती जा रही है, सर्कुलर शेप की तरफ जा रही है। एरो लगा देंगे। फिर सी डी के कॉन्ग्रुएंट हमारा कंपास खुला ही है और यहाँ पर हम लगा देंगे आर्क। मैंने यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपास यूज़ करे हैं ताकि वीडियो में टाइम ना ज़ाया हो, आप क्विकली जो है वो काम आगे बढ़ता हुआ देख सकें। अब इसके बाद ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी के बाद एच, दिस इज पॉइंट एच, एच को सेंटर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम आर्क, फिर जो हमने आर्क लेंथ ली है से हमने कर दिया इसको इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बस हमें यहाँ पर एंगल बनाने के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। फिर इसको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट एच से,
एंगल बनाने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा इसके लिए हम सी डी के इक्वल ही हमने खोला हुआ है अपना कंपास, लगा देंगे नेक्स्ट आर्क और इससे पॉइंट आ गया आई, दिस इज द पॉइंट आई। अब एंगल हमने बनाना है, आर्क्स लगाएंगे, आर्क्स ड्रॉ करना है, तो फिर ये इसको सेंटर लेते हुए कर देंगे इसे इंटरसेक्ट। अच्छा, अब हमने इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन हमने कैसे करना है, ये हमारा पॉइंट है आई, ये हमारा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सही है, और ये है सी। ये तीनों लास्ट में ज़रूर ज्वाइन होने चाहिए। अगर ये हमारे जैसे हम देख रहे हैं फिगर में ऐसा ही हो रहा है, तीनों ज्वाइन हो रहे हैं, यानी हमने बिल्कुल एक्यूरेट फिगर हमारी बनी है, परफेक्ट फिगर बनी है। ये हमने कर दिया इससे ज्वाइन, ये हमारा बन गया रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब इसके लिए स्टूडेंट्स काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब ये इस तरह से हमें परफेक्ट फिगर मिलती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कह रहे हैं, दोबारा हम आते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ये पॉइंट तो हमारा हो गया था। फिर है ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, फिर हमने एफ पर एंगल ड्रॉ किया था जो कि एंगल ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ड्रॉ एफ जी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, फिर हमने एफ जी सी डी के कॉन्ग्रुएंट हमने ड्रॉ करा, जो हमने आर्क्स लगाई थी उसकी बात हो रही है। बाय द सेम वे, किसी तरीके से वी गेट पॉइंट्स जी एच एंड आई, हमने जी एच आई पॉइंट्स हासिल करे। सो वी गेट अ रेगुलर हेप्टागॉन, हमें रेगुलर हेप्टागॉन सी डी ई एफ जी एच आई ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ डॉटेड आर्क्स, डॉटेड आर्क्स हमें ड्रॉ करनी है ऑफ ई एफ एफ जी जी एच एच आई एंड आई सी, यानी अब हम इनको डॉटेड में हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे, यूँ आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर इसको हम फ्री हैंड लेकर चलेंगे इस तरह से, ये एफ से इस तरह, ये डॉटेड में यूँ ज्वाइन होगा ताकि ये हमारा सर्कल का शेप दे। इसी तरह से यहां पर भी हम इसको यूं ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से ये हो जाएगा ज्वाइन। अब हम देख रहे हैं ये सर्कल बनता जा रहा है। देखिए जितना डिस्टेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इतना ही डिस्टेंस रखिएगा तो आपके लिए फिर बनाना इजी हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर हम जाएंगे, फिर हम करेंगे इसी तरह, ये हमने कर दिया ज्वाइन। तो अब देखें स्टूडेंट्स हमें ये क्या मिल रहा है, रेगुलर हेप्टागॉन से, इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ये जो हमने आर्क लगाई थी लास्ट में जो हमने ज्वाइन किया था, इसको एक्सटेंड करते हैं, सही है ठीक। तो ये हमने इस तरह सेंटर फाइंड करे बगैर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल, ये हमारा पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हमसे क्या कहेंगे, दीज डॉटेड आर्क्स कंप्लीट द सर्कल।
तो स्टूडेंट्स ये फिगर जो है वो एक दफ़ा में ही नहीं बनती है, परफेक्ट नहीं आता है रिजल्ट, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपकी फिगर इजीली बन जाएगी। डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेप्स जो हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं, बार बार हम एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं, बस ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग सही करनी है, तो फिर आपके इसमें फिगर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।